मुजफ्फरपुर जिले में पुस्तैनी जमीन को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। यह घटना सिंधिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंडल गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार विवादित जमीन अंचलाधिकारी सिंधिया के जनता दरबार में निलंबित है, साथ ही रोसड़ा न्यायालय में जमीन पर धारा 144 का केस निलंबित है। तो वहीं कुंडल गांव निवासी विभा देवी ने बताया कि सुबह तकरीबन 9 बजे मेरे पुस्तैनी जमीन पर नकुल सिंह, अनिल कुमार सिंह एवं मनोज कुमार सिंह हथियार लैस होकर जबरन ग्रिल लगा रहे थे। उसे रोकने के प्रयास के लिए मेरे पति विपिन कुमार गए तो उन अपराधियों ने मेरे पति के साथ मारपीट की, और जब मैं बीच बचाव करने गई तो मेरे साथ भी उन लोगों ने मारपीट की और मेरे सर को फोड़ कर मुझे जख्मी कर दिया। मेरे जख्मी होने के पश्चात मेरे पुत्र राम सिंह मुझे बचाने आए तो उसके साथ भी उक्त लोगों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला किया एवं हम सभी लोगों को जख्मी कर दिया। बीटी न्यूज बिहार के लिए हसनपुर से परमानंद प्रभात की रिपोर्ट। क्या हुआ था, मेरे पूर्वज को जमीन था, मेरे नाम से भी जीवन में जमीन लिखाया हुआ है, उसमें मैंने की केस है उस पर किए हैं, मेरे जमीन पर धावा दे रहे हैं कि मेरा जमीन है, सच्चाई में जो मेरा अथी है जमीन लिखा हुआ है रिभा देवी, उस पूर्वज के अलग है जमीन, उस पर देवाल दे दिए हैं नकुल सिंह के घर के, नकुल की मेरा जमीन है, उसमें क्या किए किसे ग्रिल लगा रहे थे, ग्रिल लगाने गए तो मेरे पति गए मना करने के लिए, इस पर नहीं लगाइए, मेरा जमीन है केस किया है उस अथी, जब हम हार जाएंगे चाहे मेरा जमीन नहीं रहेगा तो हम छोड़ देंगे, उस माना करने के उसके बाद उनको धकिया करके सब मारने लगे उसके बाद कौन मारने लगे, नकुल सिंह थे, उसके बाद राकेश थे, मनोज थे, और उसके बाद उसको बेटा था उसका नाम नहीं जानते हैं, नकुल सिंह को बेटा को दूगो है, उसके बाद अब बगल उगल के दूगो दोस्त है इसका, माने छोटन घुटन है, इस सब मिल के मेरे पति को सबको मारा है, मारता था तो उसके बाद हम गए कि मेरा पति को मार दे, रोते गए, उसके बाद फिर उसको छोड़ करके हमको नकुल सिंह और उसके बाद मनोज राकेश मेरा वहाँ पर पटक को मारने लगा, राइफल को गुंडा से मेरा माथा पर मार दिया है, 16 गो टांका है दोनों तरफ, हम बेहोश होकर गिर गए, उसने मेरा साड़ी खोल दिया, ब्लाउज फाड़ दिया, मेरा जेवर था पूरा लूट लिया। क्या नाम आपका? रिभा देवी। कुंडल मामला कुछ नहीं था, वो जमीन हमारी पुस्तैनी जमीन थी जिस पर बात चल रहा था सिंगा थाने में, जिसका बात संख्या 9 है, और अभी बात चल ही रहा था कि अचानक जो है जाकर के उस पर वो लोग गील लगा रहे थे, जिसका प्रतिरोध करने के लिए हमारे पिताजी जाकर के उसको रोका कि भाई अभी बात चल रहा है, जब बात समाप्त हो जाएगा तो आप लोग उस पर ग्रिल दे दीजिएगा। अचानक जो है वो लोग प्री प्लांट थे सारे, हर हथियार से वो लोग लैस थे, सबके पास पर पिस्टल हथियार और गोला बारूद था जो है पूर्ण लैस थे, और अचानक जो है हमला कर दिए, हमला के दौरान जो है मेरे पिता को हम जो मारते हुए देखे तो हम बचाने के लिए पहुँचे तो वो लोग सब मिल करके जो है हम ही पर हमला किए, मेरे दोनों टांग को डैमेज कर दिए, कंधा पर भी लाठी का प्रहार है, चोट लगा हुआ है, उन्हों के पास में हथियार था, पिस्टल था किन्हीं के पास में खंती था, और बहुत सारे उसमें नकुल सिंह प्रमुख होकर के मेरी माँ के साथ में जो है छेड़खानी करते, उनका जेवर छीन लिए, और जो है उनके पास में बंदूक था कि पिस्टल था, उसे जो है मार करके जो है उनका सर फोड़ दिया, लल्लुहान स्थिति में जो है वहाँ से उठा करके इनको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर लाया गया है, जहाँ पर इनका जो है प्राथमिक इलाज हुआ है, हमारे तरफ से 4 लोग जो है घायल हैं, और जब बीच बचाव करने में इस तरह की स्थिति हो सकती है जबकि न्यायालय में बात चल रहा है, तो सोचने वाली स्थिति है कि शासन प्रशासन कर क्या रहा है, कि बाद होने के बाद जब बाद हो रहा है इसका मतलब है कि थाना को पता है, अंचल को पता है, और प्रशासन शासन सबको पता है, इसके बाद भी अगर इस तरह की घटना होती है तो कहने के लिए कि क्या ये बिहार में शासन है, कहने के लिए स्थिति नहीं है, ये स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में कुशासन का राज है, आम सज्जन आदमी जो है अपने परिवार के साथ जी नहीं सकता है, इस तरह से मारा जाता है किसी परिवार के लोगों का, और महिलाओं के साथ क्या इस तरह से व्यवहार किया जाता है कि मार करके बंदूक से उनका सर फोड़ दिया जाए, उनका लज्जा भंग कर दिया जाए, उनका जेवर छीन लिया जाए, ये कोई न्याय तो नहीं है, जबकि बात चल रहा है,
हमने स्पष्ट कहा है कि बाद में अगर मैं हार जाता हूँ तो अफसोता वो आपका चीज है, मुझ पर कोई मेरा अधिकार नहीं होगा। इसके बाद भी इस तरह की घटना हुई है कि सबको पता है, इसमें थाना प्रभारी लिप्त है, लगभग लोग लिप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच के उपरांत सारे लोग क्लियर हो जाएंगे। कौन लोग मारपीट किए? मारपीट किए थे नकुल सिंह थे, मनोज सिंह थे, राकेश कुमार था, रोशन कुमार था, सुमित कुमार था और एक अमरजीत कुमार है और 5-6 अन्य लोग हैं जो कि सभी लोग हरवे हथियार के साथ लैस थे। इनके पास में पिस्टल था, इनके पास में खंती था, इनके पास में जो है एक धारदार हथियार था। उन सब के साथ में हम पर हमला किया गया, हमारे परिवार पर हमला किया गया। हम लोग किसी तरह से वहाँ के जो है लोगों ने हम लोग को जान बचाया, वहाँ से निकाल करके हम लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर में भर्ती किया गया, जहाँ से इन्हें पटना रेफर कर दिया गया है और मैं इन्हें इलाज के लिए पटना लेके जा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री राम सिंह है, कुंडल।